दोस्तों आज हमारे साथ डॉक्टर मिर्ज़ा अली बेग साहब हैं, जो कोंडवा के बहुत ही मशहूर और नामवर जो है डॉक्टर्स में से एक है और बहुत लीडिंग प्रैक्टिशनर्स में से है। तो आज डॉक्टर साहब का हम इंटरव्यू लेने का मौका मिला हमको, और डॉक्टर साहब हमारे से ये बातें शेयर करेंगे कि इनका हमारे साथ जो इन्होंने कैंसर के पेशेंट हमारे पास रेफ़र किए हैं, उस ताल्लुक से सर का क्या जो है तासुरात रहे और क्या रिज़ल्ट रहे, इस बारे में सर आपको इंशाल्लाह बताएंगे। डॉक्टर साहब बोलिए ना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर को पेशेंट हमने, मेरा नाम डॉक्टर मिर्ज़ा अली बेग, मैं कोंडो में 10-12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं यूनानी प्रैक्टिस स्टार्ट किया हूँ 5-6 सालों से, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो सर को मैं काफ़ी मतलब 15-20 पेशेंट कैंसर के सेंड किया हूँ, जिसमें से 10-12 पेशेंट काफ़ी अच्छे हो गए और उसको जो कैंसर ग्रोथ होती वो सर के यहाँ से मतलब जाने से रुक जाती, वो स्प्रेड नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने पेशेंट गए काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो डॉक्टर साहब यानी जो आपके रिफर्ड पेशेंट है वो आपके पास वापस आके बोले आपको पेशेंट? हाँ वापस तो काफ़ी पेशेंट आते हैं, फॉलोअप लेने के लिए आते हैं, बोले सर अच्छा रिजल्ट कभी सर दे रहे हैं सर, उनको जो खाना नहीं खाते हैं, डाइट प्रॉपर से, भूख लग रही है, उनकी लाइफ स्टाइल में काफ़ी चेंजेस आते हैं, पेशेंट को कॉन्फिडेंस रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग भी सर का सपोर्ट करो अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि कैंसर के पेशेंट जो आप रिफ़र करते हैं, तो हमारे चार्जेस वगैरह भी आपको कैसे लगे? चार्जेस तो मतलब काफ़ी नॉर्मल है ना? काफ़ी नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी बॉर्डर में जाते हैं उनको मतलब 2-2.5 लाख रुपए लग जाते हैं, तो उसमें मतलब पेशेंट को मतलब इतना तो नहीं सर, 15-20 हज़ार में अच्छा ट्रीटमेंट काफ़ी मिल जाता है सर के यहाँ से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर अली मिर्ज़ा साहब एक लीडिंग प्रैक्टिशनर है, सर ने हमको थोड़ा सा वक्त दिए और इनकी तरफ से लगातार जो है सपोर्ट मिलते रहता है कैंसर के पेशेंट के ताल्लुक से। तो आपका इंटरव्यू देने के लिए और आपका हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जज़ाकअल्लाह।